सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर चर्चा में रही, वहीं उन्होंने हमेशा बेबाकी से कुछ मुद्दों पर अपनी राय रखी है। ऐसे में जब बात उनकी खुद की शादी की हो और उस पर एक्ट्रेस अपनी राय ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। हाल ही में उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें सुष्मिता अपने सिंगल होने की बात करती दिख रही है। एक्ट्रेस ने शादी न करने के अपने फैसले को अपनी ताकत बताया है, जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में सलमान खान का भी जिक्र किया है, जिस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सुष्मिता ने अपने बयान में कहा कि आप दो ऐसे लोगों से सवाल करते हैं जो सिंगल होना सेलिब्रेट करते हैं। वो इसलिए सिंगल नहीं है क्योंकि उन्हें कोई मिला नहीं। हमने ऐसा अपनी चॉइस से किया है। गो सलमान, गो सुश। उनका दिया ये बयान इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जहां कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स के नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चलें कि एक्ट्रेस ने भले शादी नहीं की, लेकिन वो कई रिलेशनशिप्स में रह चुकी है। ललित मोदी से पहले सुष्मिता के 9 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, जिनमें रोमन शॉल, विक्रम भट्ट, बंटी सचदेव, वसीम अकरम, ऋतिक भसीन, मुदस्सर अजीज, इम्तियाज खत्री, सबीर भाटिया का नाम शामिल है। हालांकि इनमें से कुछ के साथ एक्ट्रेस का रिलेशन कभी ऑफिशियल हुआ ही नहीं। गौरतलब है कि एक्टर बीते दिन आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी संग उनकी डेटिंग की खबरों के चलते चर्चा में आ गई थी। ये खबर सामने आने के बाद पहले फैंस को लगा कि दोनों ने शादी कर ली है, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे। हालांकि फिर ललित मोदी ने एक दूसरा पोस्ट करते हुए ये साफ किया कि वे दोनों फिलहाल शादीशुदा नहीं हैं, केवल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही शादी कर सकते हैं। लेकिन ये खबर भी एक्ट्रेस के फैंस के लिए चौंकाने वाली थी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।